5, 7, 8 गाड़ी स्टॉप हो गई। उसके बारे में बिल्कुल कोई तोड़ नहीं है, सबसे फ्यूचरिस्टिक क्या डिजाइन है इसका। गुड मॉर्निंग यू लवली पीपल। तो आज मैं आया हूँ TVS एंटोर के शोरूम पे, TVS के शोरूम पे। तो मेरे पीछे खड़ी है ये एंटोर, देख सकते हो। तो आज हम लोग राइड करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले आज हम लोग राइड करेंगे स्कूटी को, क्योंकि सबसे पहले स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, आज टेस्ट ड्राइव पूरा लेके बताऊंगा कि क्या मुझे पावर फील हुआ, कितना हो सकता है पावर। तो ये सस्पेंस में रखते हैं कि और देखते हैं कि इसमें क्या कैसा है। तो चलते सीधा राइड पे। चले चलो। तो ये रहा इसका कुछ मीटर कंट्रोल, कुछ इस तरह थोड़ा सा गंदा है, सब कर लेते हैं। तो हाई राइडर यहाँ पे लिख के आता है, तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें। हम लोग को डोर डिस्प्ले मिलता है, इसमें आप ब्लूटूथ पेयर कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले इसको राइड करते हैं, फिर देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा साइलेंट साउंड है और गाड़ी का बेस बहुत अच्छा है। तो लेट्स राइड। तो मीटर आपको दिख रहा है, इसमें आपको RPM भी मिलता है, यहाँ पे कुछ इकोनॉमी मोड और पावर मोड भी दिख रहा है, कितना आपने इकोनॉमी मोड यूज़ करा है, कितना पावर मोड यूज़ किया है। तो ये भी कुछ डिस्प्ले करता है, बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले है, बहुत एडवांस डिस्प्ले है। एक बार हम लोग पूरे इसकी जो TFT डिस्प्ले है उसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे, दिखाऊंगा उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। अगर बात करूँ अगर गाड़ी के बारे में, स्कूटी के बारे में, तो काफ़ी अच्छी पंच है एक स्कूटर के मुकाबले। तो इसमें हम लोग को मिल जाता है 9.38 का PS पावर एंड 10.5 Nm ऑफ टॉर्क। तो काफ़ी बढ़िया है एक स्कूटर के हिसाब से। और यहाँ पर आ गया है रेड सिग्नल, तो सबसे पहले करेंगे इसको रुकते हैं। यस, कभी ऑप्शन दिखा रहा है, एवरेज स्पीड 33 भी दिखा रहा है, टॉप स्पीड 50 दिखा रहा है जब तक हमने इसको चलाया। तो इसमें टाइम दिखा रहा है, देखो अभी ये गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, लो फ्यूल का मोड भी है इसमें, गाड़ी स्टॉप हो गई। अब हम लोगों को वापस को स्टार्ट करना है, तो अप्लाई ब्रेक एंड थ्रॉटल लिखा हुआ है, ब्रेक स्टार्ट हो गई, क्या बात है, एकदम सही स्टार्ट, सही एकदम सही टाइम पे स्टार्ट हुई, मज़ा आ गया। थोड़ा सा खींच के देखते हैं कितनी जाती है, 50, 70, तो 75 तो बहुत धीरे जाती है, मज़ा आ गया। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, एक बार रेयर ब्रेक की ब्रेकिंग देखते हैं एक बार। रेयर ब्रेक इज गुड। अब देखते हैं एक बार सामने भी टेस्ट करते हैं कि कितना इसका पंच है ब्रेक का, सामने का रेयर का। तो पीछे हम लोगों में जाते हैं ड्रम्स और सामने मिल जाते हैं डिक्स। तो सामने का पंच थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें डिक्स के ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ गड्ढे हैं, यहाँ पे देखते हैं बम्स कितना अच्छा हैंडल करते हैं, बम्स बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं यार। तो हम लोग को इसमें सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, तो काफ़ी अच्छा जॉब करती है। और पीछे हम लोग मिल जाता है मोनोस्कोपिक सस्पेंशन। तो पिलियन को बिठा के आपको ट्रैवल करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, एकदम मुलायमदार, एकदम मज़ा आएगा आपको ट्रैवल करने में। तो गाड़ी का पावर बहुत अच्छा है, साथ में सीट बहुत स्मूथ है, तो लॉन्ग राइड पर भी बिल्कुल जा सकते हो इसमें, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है कि लोग इसमें जाते हैं बाकायदा लॉन्ग ड्राइव पर। तो फटाफट करती है इसको कवर, देखो कुछ दिखती है ऐसे, बहुत अच्छा कलर स्कीम है, नियॉन ग्रीन है, और क्या लुक्स है, मतलब लुक्स के बारे में बिल्कुल कोई तोड़ नहीं है, सबसे फ्यूचरिस्टिक क्या डिज़ाइन है इसका, कहीं से भी देख लो। 360 पूरा दिखा रहा हूँ, देखो क्या टायर्स है इसके, और इसके यहाँ पे ये देखो जैसे इसके जो फैन है वो भी एक, क्या बोलते हैं उसको, नियॉन येलो कलर में किया गया, क्या सही दिख रही है।
तो गाइस मैं जस्ट अभी चला गया हूँ टीवीएस एंट्रॉक XT, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया चला के। तो अब मैं बताता हूँ उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन की क्या गाड़ी में है खास बात। तो ये देख सकते हो अभी जस्ट मैंने उसको चला के आया, तो उसका जो कलर स्कीम है बहुत शानदार है, बहुत आई कैची है। तो सड़क में आप चलाओगे तो सब मुड़ मुड़ के ज़रूर आपको देखेंगे, तो काफ़ी यूनिक और आँखों को आकर्षित करने वाला कलर है। तो उसकी जो लुक्स है वो भी बहुत ही शार्प और एजाइल है। तो अगर मैं बात करूँ इसके जो मेन जो हाईलाइट्स है वो है इसका कलर्स और इसका ये TFT डिस्प्ले। तो सबसे पहले इसका TFT डिस्प्ले दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 2 डिस्प्ले और क्या शानदार स्टार्ट होता है यार, देखो ज़बरदस्त। इसमें बहुत सारे हम लोग को मोड मिल जाता है, इसमें दिखाता हूँ। इसमें फ्यूल दिखा रहा है, हेलमेट पहने हुए नहीं पहने वो दिखा रहा है फ्यूल, और अगर चेंज करिए दूसरे यहाँ पर कुछ टाइम दिखा रहा है सेट द प्रीस चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्राइटनेस सेटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसको प्रेस करके रखोगे तो आप नेक्स्ट सेटिंग पे चले जाओगे। देखो स्टार्ट मोड, तो यहाँ पे इको मोड भी दिया है, पावर मोड भी दिया है, फ्यूल ऑप्शन का भी ऑप्शन दिया जाता है। फिर से यह आ गया स्पोर्ट्स मोड, इसमें RPM दिखाता है। तब वापस हम लोग जो उसको चलाएंगे तब का RPM वाला भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे शो विजिबल आता है, क्या एक्सपीरियंस मिलता है। ये आपकी बैटरी वोल्टेज का भी ऑप्शन आता है और यहाँ पे टैप लाइमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये टेस्ट और बेस्ट लैप का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रीट मोड, तो उसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। तो काफ़ी फीचर लोडेड मशीन है। बाकी इसमें हम लोग E20 फ्यूल का भी ऑप्शन मिल जाता है, देखो यहाँ पीछे देख सकते हो। बाकी पीछे जो टेल लाइट है वो भी बहुत शानदार है, जैसे इसका सिग्नेचर है। सामने भी इसका DRL वैसे दिया है और पीछे का टेल लाइट वैसे दिया गया है। और पीछे का मिल जाते हैं हम लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन, और पीछे टायर सेक्शन की बात करूँ जो कि है 110 सेक्शन की, और फ्रंट में मिल जाता है हम लोग को 100 सेक्शन का। बात करो अगर इंजन के बारे में तो इंजन हम लोग को मिल जाता है 125 cc की, जो कि प्रोड्यूस करती है 9.38 PS ऑफ पावर एंड 10.5 Nm ऑफ टॉर्क। तो पावर के बारे में कोई कमी नहीं है गाड़ी में। तो सामने हम लोग को डिस्क मिल जाते हैं और पीछे ड्रम। तो यहाँ पे हम लोग को सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन्स नहीं दिखते, तो हम लोग को यहाँ पे चाबी निकालना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको राइट टर्न अगर टर्न करते हैं तो ये खुल जाएगा फुल, देख सकते हो नहीं खुला, सॉरी लेफ्ट अगर घुमाओगे तो फ्यूल के लिए और राइट सीट के लिए। सो कर देते फटाफट बंद, तो हो गया बंद। अगर सीट की जगह स्पेस की अगर बात करूँ तो इसमें 22 लीटर का हम लोग को स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, स्पेस में कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जाते मिलती है चार्जिंग पोर्ट, जो कि राइडिंग के दौरान आपको बहुत काम आएगा। बाकी सिंगल सीट मिल जाता है हम लोग को, काफ़ी लंबी सीट है तो इजीली आराम से 2 लोग बैठ सकते हो, और चाहो तो 3 लोग भी बिल्कुल बैठ सकते हैं, पर नहीं बैठना चाहिए। तो अभी आ गया स्पोर्ट्स मोड पे, तो देखो यहाँ पे इसका RPM भी दिखा रहा है। जैसे तो छोटा लोगे ऊपर जाएगा तब इसको एक्सपीरियंस करते हैं। चल तो हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है, गाइस मेरे स्पोर्ट्स मोड में पावर थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो स्पोर्ट्स मोड में सच में पावर थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स। तो स्पोर्ट्स मोड में ना गाड़ी थोड़ी पंच अच्छी दे रही है, और ये डिस्प्ले दिखने में काफ़ी शानदार है यार। और विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई कमी नहीं है बिल्कुल, जितनी भी तेज़ सनलाइट हो आपको दिखने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर यहाँ पे एक बार थोड़ा टेस्ट करते हैं गाड़ी को कि कितनी जाती है स्पोर्ट्स मोड पे। जा रही है, जा रही है। तो 77 जा रही है एक पिलियन के साथ, अगर आप अकेले बैठे हो तो इजीली 80-80 भी कर देगी। और कॉम्बी ब्रेक मारोगे तो यार स्टॉपिंग बहुत अच्छी है। तब यहाँ से लेते हैं सीधा हम लोग राइट, और ये आ गया शोरूम SSD TVS। तो जस्ट हम लोग राइट कर गए तुषार भाई के साथ, तो ये तुषार भाई, तुषार भाई हेलो कर दो। हेलो।
तो तुषार भाई, हम लोग को ये TVS Ntorq 125 XT कितने में पड़ती है ऑन रोड? देखेंगे आपके XT मॉडल देखते हैं तो ये आपके 1,28,500 समथिंग की रेट में पड़ती है, जो कि IT इंश्योरेंस करके आती है। ऑप्शनल ऐसी सीरीज आपको अलग से मिलेगी इसकी। और ये अपना शोरूम कहाँ पे? शोरूम हमारा ये आपके क्या बोलते हैं इसको, कॉलेज के पास ही में है, जस्ट मालवीय चौक एंड राजन पार्क के बीच रोड में है, SSD मोटर्स से। SSD मोटर, तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो, तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, मिलते किसी अच्छे से वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मिलते कुछ अच्छे से वीडियो।